हम काफ़ी जयपुर से देख रहे हैं यूट्यूबर्स हमारे जो यूट्यूब पर फॉलो करते हैं हमारे चैनल को और रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं साइकिल्स के से लेकर या किसी भी अदर चीज़ से लेकर। बहुत ही बढ़िया स्कीम दी है, उसके अंदर ये है कि जो भी बंदा आकर एंड गुजार या आकर एंड देर के बाद किसी का आकर के और वहाँ पे एक जिस पर साइकिल है उसमें नंबर लॉक है, नंबर लॉक अगर मान लो उसने खोल दिया तो उसको वो साइकिल गिफ्ट में मिल जाएगी। आजकल हर चीज़ जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो रही है, कारों देखो देख लो, साइकिल्स को देख लो आ रही हैं। तो उसी तरीके से हमने एक साइकिल देखी हीरो इलेक्ट्रिक साइकिल, तो इसके बारे में आप पहली बार बात कर लेते हैं इस चैनल पर। आप काम करते हैं यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको सर? टाइम तो होगा 48 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनको शॉप पर। और साइकिल्स आपने हर पीढ़ी की देखी है, हर टाइम आपने देखा साइकिल से कुछ ना कुछ अपडेट होता रहा है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल्स के बारे में कुछ बताइए क्या खासियत है इसकी? लाइट है, चलने में बिल्कुल स्मूथ है, बड़ी अलॉय बॉडी में है, तो इलेक्ट्रिक में चलने में बहुत ज़्यादा पेट्रोल के हिसाब से ये बहुत बेटर गाड़ी है। पेट्रोल तो बचाएगी बचाएगी आपका और टाइम भी बचाएगी, दोनों सिस्टम है इसमें, पेडलिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है दोनों। अच्छा ओके, तो ऐसा बता रहे हो उसमें कि हाई स्पीड कितना कवर कर लेती है साइकिल? मैक्सिमम 25 की स्पीड में चलेगी। अच्छा, और एक बार चार्ज होने में 25 किलोमीटर चलेगी। अच्छा चलेगी भी टोटल मैक्सिमम 25 पे और 25 किलोमीटर तक ये रन करेगी एक बार चार्ज कर लोगे फुल, ठीक है। और इसका कोई बैटरी वगैरह का इशू होता है कि टाइम बाद चेंज करानी पड़ती है ऐसा कुछ? बैटरी की तो ये वारंटी 3 ईयर्स की होती है, वो साल भर की वारंटी तो लॉन्ग लाइफ टाइम 3 ईयर्स होता है। अच्छा 3 ईयर्स लॉन्ग लाइफ टाइम होता है इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका आगे का जो पैनल है यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ, तो यहाँ पे आप लाइट्स ब्लिंक होने लग जाएंगी। ये स्पीड का होगा हाई लो से। ओके, ये स्पीड का मोड हो गया है, अभी लो पे मीडियम पे कर दिया एंड हाई पे कर दिया स्पीड। और यहाँ पे आप इसका ये बैटरी का लाइफ देख सकते हो कि ये लो हाई एस तक जितने ज़्यादा बैटरी ब्लिंक करेंगे उतना मतलब है चार्ज, तो अभी फुल चार्ज है ये। फुल चार्ज है तो सारी लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है मतलब फुल चार्ज है ये। और टायर बड़े पतले हैं इसके, इससे कि काफ़ी लाइट स्मूथ काफ़ी तेज़ी तरीके से भगेगी ये। और सर मोटर का लगी हुई है सर इसकी? रियर व्हील। अच्छा रियर व्हील मोटर है इसकी और मोटर काफ़ी पैड लग रही है, काफ़ी वाटर प्रूफ होगी है ना? अभी कितने परसेंट चार्ज है? अभी ये फुल चार्ज है, सारी लाइटें ब्लिंक कर रही है मतलब फुल चार्ज है ये इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग पॉइंट यहाँ से है और ये चार्जिंग पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, आप पिन लगा सकते हो और ये सर इसको बंद कर सकते हो आराम से, मोटर वगैरह रखने का भी है सिस्टम। और एक बार चला के देख लेते हैं फटाफट से इसको कि आप लोग वेट कर रहे होंगे किसका जान लिया इसके बारे में, चला के देखते हैं फटाफट और आप चला रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि स्टार्ट कैसे हुई, बैटरी तो उसकी फुल थी। अब मैं देखते हो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी और इस पर वापस क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो अभी ये स्टार्ट कर दिया मैंने तो ये हल्का आगे जाएगी, ठीक है। और अब इसको मैंने बंद कर दिया तो मैं कितना भी रेस मारूं नहीं जाएगी आगे ये, और रेस मारने पे हल्का दूंगा तो आगे जाएगी। पिकअप जल्दी लेती है, काफ़ी तेज पिकअप है इसका, इसका सब पिकअप दे सकते हो आप। पिकअप काम नहीं कर रहा है, एक बटन क्लिक किया एंड देखो तो जल्दी पिकअप ले रहा है। तो अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा है, ऑन करा प्रेस करके और इसको मैंने ऊपर किया तो जस्ट रेस देने से इतना तेज इसका पिकअप है। और इसका मैंने मोड अभी हाई कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ, कितना तेज इसका जो व्हील है रोटेट करता है फटाफट, तो ये व्हील रोटेट कर रहा है इसमें, तो पावर काफ़ी ज़्यादा है इसमें और टायर काफ़ी थिन है इसका, काफ़ी पतला टायर है, तो इसी आपको हेल्प करेगा तेज चलाने के लिए साइकिल। तो साइकिल की यही कुछ खासियत थी मेरे साथ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे इलेक्ट्रिक साइकिल्स आपको अगर चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए और जो लोग खरीदना चाहना पसंद करते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, तो आप श्योरली आप इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो नॉर्मल साइकिल से हटके,
कुछ नई साइकिल्स ट्राई कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं आप इलेक्ट्रिक साइकिल्स को इलेक्ट्रिक साइकिल्स की तरह ही चलाओ, आप सिंपल पैंडल वगैरह मार के भी साइकिल चला सकते हो। इसको ऑफ करो और सिंपल पैंडल पैडल मारो और अपने घर पहुँचो आराम से। पैडल 93 जो अभी रेडियो मिर्ची ने इसकी इंडिया आंकड़ा कंपनी प्लस पैडल 93 उसके अंदर ये है कि हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम दी है। उसके अंदर ये है कि जो भी बंदा आंकड़ एंड कंपनी किशनपुर बाजार या आंकड़ एंड कंपनी ढेर के बाजार से सीकर हो आकर के, और वहाँ पे एक जिसपे साइकिल है उसमें नंबर लॉक है, नंबर लॉक अगर मान लो उसने खो दिया तो उसको वो साइकिल गिफ्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू पूछ रहे हैं, और पूछने के बाद में जो भी विनर होंगे उनको टोटल 6 साइकिल मिलेंगे। और ये जो मैं मेन मुहिम से इन्होंने चलाई है पेट्रोल बचाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, शुद्ध मतलब शुद्ध एनवायरनमेंट और ऑक्सीजन, तो ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी आज के यूथ है या युवा वर्ग है वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और इंटरेस्ट लेकर के बहुत ही अच्छे इसके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर जैसे कि हमारी ऑडियंस आपको देख रही है एंड आपसे आपके जो विचार हैं काफ़ी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट आप अच्छा करना चाहते हो, और जैसे आने वाली पीढ़ी है वो साइकिल के तरफ जल्दी से जल्दी अपना जान रख रही है, काफ़ी साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, सुबह उठते हैं और मॉर्निंग इवनिंग में सब टाइम पर साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस बेस पर अगर आप कुछ अच्छा मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे जयपुर में रहने वाली जनता, तो उनको किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेडियो मिर्ची के अलावा? रेडियो मिर्ची के अलावा तो ये है कि अभी आगे चल के मैं थोड़ा सा जो हमारे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है उसके थ्रू हम कुछ प्रमोशंस करेंगे, जिसके अंदर ये होगा कि कंटिन्यू मतलब महीने के अंदर कम से कम 4 या 5 साइकिल हम उनको जब उसके लिए कोई ना कोई स्कीम जरूर चालू करेंगे, जिसमें वो आए शोरूम पे या तो नंबर लॉक है वो बोलें या कोई क्वेश्चन है उसका जवाब दे लें, जो भी विनर्स होंगे उसके लिए हम करेंगे। और आज का ये बड़ा इंटरेस्ट भी ले रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि आज अपडेट डालते रहते साइकिल से अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेगी वहाँ पर साइकिल से रिलेटेड, तो जरूर फॉलो करिए इनके पेज को। और साथ में बता देते हैं साइकिल्स में अलग अलग क्वालिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, फैट बाइक साइकिल्स, और कुछ प्रीमियम साइकिल्स भी हैं जो साइकिल जो करते हैं रेगुलरली उनको पता है कि कैसी साइकिल्स की रेंज अवेलेबल है। साइकिल तो आजकल बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेंज, बढ़िया बढ़िया मतलब MS में, स्टील में, अलॉय में, कार्बन फाइबर में, MS के अंदर नॉर्मल साइकिलें आ जाती है करीबन 4,000 से लेकर 7,000 तक की, स्टील के अंदर करीबन 7 से 10,000 तक की, और अलॉय के अंदर नॉर्मली 10 से 15,000 जो रूटीन वे में मिलती है, और अगर उसमें फीचर्स बढ़ा दिए जाए तो फिर वो 20, 25, 30, 35 तक आ गई। और जो रेसर्स हैं बहुत ज़्यादा जिनको लगता है कि मेरे को राइडिंग अच्छी करनी है लंबी रेस में जाना, तो कार्बन फाइबर में वो नॉर्मली रेंज 25-30,000 से रेंज चालू होगी और 1,00,000 तक की आएगी। वैसे नॉर्मल जो पब्लिक परचेज करती है या जो आगे युवा वर्ग परचेज करता है वो नॉर्मली करीबन 40 से 50,000 की रेंज परचेज करता है, और उसमें बिल्कुल वेटलेस और उसमें सब गेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्मूथ होती है गाड़ी, चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ऐसी गाड़ियों को एक बार जब यू चला लेता है तो वो रेगुलर उसको चलाता है। मतलब पहले के ज़माने में होता था कि अपने ऑर्डिनरी टाइप की गाड़ी होती थी, ठीक है अपने पिताजी हरीशन थे, बेटा भी चलाता था, समय चेंज होता जा रहा है, आज बड़ा स्पीड से अच्छे अच्छे मॉडल्स आते जा रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी खास लगी, मैंने इनका पहले भी स्टोर विजिट किया हुआ है, जो आपके यहाँ पे सर बैठते हैं वो भी पुरानी साइकिल से ही घर आना जाना उनका इसी से है, साइकिल से ही करते हैं रूटीन फॉलो, क्योंकि बाइक वगैरह कोई नहीं फॉलो करते, साइकिल से ही वो अपना आना जाना कर रहे हैं, और अभी तक ऑफिस टाइम अपना स्पेंड करते हैं साइकिल से आना जाना है उनका। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जान के कि आप सबसे पुराने एस्टेब्लिश की हुई दुकान है आपकी 1933 की है। 1933 की है, यहाँ के जो कस्टमर्स हैं दादाजी के पिताजी के टाइम में जो वो स्टूडेंट टाइम में, फिर उन्होंने दादाजी को बुलाई, दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने हो सकता है बचपन में आपको दिलाई सर बिल्कुल, अब आप हो सकते हैं अपने बच्चों के। मैं भी सर काफ़ी शौक होता साइकिलिंग करने का, मैं भी रेगुलरली चाहता हूँ कि साइकिलिंग मैं करूँ जिससे मैं खुद को फिट रख पाऊँ, और अपने व्यूअर्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि साइकिल को आप रेगुलरली यूज़ कीजिए, मॉर्निंग में जाइए साइकिल से, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगा, अभी तो जो डिजीज फैल रही कोरोना इससे भी आप खुद को काफ़ी आप डेवलप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, फिजिकली भी मिलेगी, सर्विस टाइम टाइम अच्छी होगी यहाँ पे, और ट्रस्टफुल शॉप है जयपुर की, बनाओ की रेपोटेड शॉप है, अगर जरूर विजिट करें। तो ये कुछ तरीके की फैट बाइक मिल जाती है 17,900 के सेगमेंट में है, एक्सेसरीज आपको के साथ मिल जाएगी यहाँ पर, इनकी सर्विस की शॉप पर आपको सर्विस भी हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो कुछ हम इसके बाद चला के देख लेते हैं डेमो की कैसी है साइकिल, और बड़ी ही प्रीमियम लुक लग रहा है साइकिल का, तो जल्दी से चला करके राइड करते हैं। अभी हमारे पास इतना ही स्पेस है कि आपको इतना दिखा पा रहे हैं हम, और बाकी देन आपको अगर कुछ और स्पेस होगा तो और भी दिखाएंगे इसमें।
मैं मस्त रिकमेंड करता हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस आते हैं ये वाली तो आ सकते हैं। बस यही प्रोसेस एलॉयज वगैरह अच्छी कंपनी के लीजिए, सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहिए। और सर्विस का बस यही है इशू कि सर्विस आप कराने से पहले सबसे पहले आप देखिए टायर कौन सी कंपनी के ले रहे हैं आप, एंड उसमें एलॉयज हैं काफ़ी मजबूत होने चाहिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ उसके एलॉयज काफ़ी टफ एंड मजबूत है। और साथ में ये गियर में आ रही है, तो बस गियर के साथ आप डिस्क ब्रेक वगैरह भी दे सकते हो। इसमें आगे शॉकर है, पीछे शॉकर नहीं है, तो धसके रख सकते हैं पीछे भी आपको। और एक बार पीछे से देखता हूँ, एक बार बैक व्यू ले लें इसका। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे, ऐसे प्लीज आपको थोड़ा कंसेशन कर देंगे उसमें। और ये काफ़ी अच्छी साइकिल लग रही है मुझे, एलॉय में है, काफ़ी फूल एलॉय में है। और कुछ ऐसी खासियत बढ़िया वाली जो कोई साइकिल खरीदना चाहता है इसमें 21,000 में, तो क्यों खरीदेगा इसको, मतलब स्पेशली कुछ इसकी खासियत वगैरह वो क्वालिटी के हिसाब से, स्पेशली कि इतनी महंगी साइकिल है तो थोड़ा बहुत उसको रिडक्शन तो होना चाहिए। अवेलेबल है ये कितने गियर में अवेलेबल है? ये 21 में। 21 में इसको मैं एक बार उसका थोड़ा चला के देख लो, स्पेस कम है फिर भी चला के देखते हैं एक बार फटाफट से। मार्केट में गलत चीज लेते हैं, क्वालिटी उस तरीके की नहीं मिल पाती है। ऑनलाइन में दिखाते कुछ खाली चीज अच्छी दिखाते हैं, बाकी पहुँचते तो लोग मेरे पास कई रिपेयरिंग के लिए आती है कि सर ये गाड़ी में आज से मंगा लेती गलती से और इसके अंदर ये नहीं मिल पा रहा है, हमको दिखाएंगे। ओके, टेंट चेक भी करते हैं, जस्ट फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और अच्छा लगा वीडियो आपको, और साइकिल भी काफ़ी रेंज अवेलेबल है, आप देख सकते हो किड सेक्शन भी है एंड यहाँ पे बीमर सेक्शन भी देखा है मैंने, बीमर सेक्शन तो पहले का ही और अभी शिफ्ट कर दिया गया है। और साइकिल यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है, तो आप श्योरली आके विजिट कर सकते हो। कैसी लगी आपको साइकिल? अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, चैनल लाइक करना बनता है इस मेहनत के लिए। और सब आपको अगर फ्री साइकिल लेनी है तो बहुत अच्छे चांस है मेरे जयपुर राइड्स, अगर आप जयपुर से हैं तो जरूर श्योरली आप यहाँ पे आके विजिट करिए एंड अपना लक आजमाइए, हो सकता है कि साइकिल आपके घर में ही हो। और ऐसी साइकिल्स हैं, बढ़िया साइकिल्स हैं, तो जरूर आइए विजिट करिए।